कबीर साहब चैनल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम सो डैश डैश डैट तथा टू डैश डैश टू का प्रयोग देखेंगे और इसके साथ साथ नो सूनर डैश डैश देन का प्रयोग भी देखेंगे। तो आज हम देखेंगे, क्योंकि अपन देखते हैं कि हमेशा सो डैट के स्थान पर टू में कन्वर्ट करने के लिए आता है। जैसे अपन एक पहला उदाहरण देखें, ही इज सो टायर्ड डैट ही कैन नॉट वॉक, ही कैन नॉट वॉक। अब अपन को चेंज करना है टू टू में, तो पहले तो अपन इसका अर्थ समझ लें। ही इज सो टायर्ड, वो इतनी थकी हुई है, ही की जगह ही है, अने वो है इतना थका हुआ है, डेट की ही कैन नॉट वॉक, अर्थात वह चल नहीं सकता। अब इसको परिवर्तित कर दें तो आंसर लिखेंगे, आंसर ही इज टू टायर्ड टायर्ड। अब यहां क्या लिखना है, डेट की जगह क्या करना है, टू। फिर देखो क्या है कि यहां जो सब्जेक्ट ही है और वो यहां पे है, तो ये सब्जेक्ट अपन को लिखना नहीं, और यहां पर जो कैन नॉट है तो टू वाले में कैन नॉट का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि हम बता रहे हैं कि टू का जो मीनिंग होता है वो नेगेटिव अर्थ में होता है। जब कोई चीज आने जैसे ज्यादा गर्म है, जो उचित नहीं है, टेम्परेचर है या कोई चीज है ज्यादा हो जाती है, तो वहां पर टू का प्रयोग किया जाता है बहुत के अर्थ में। तो यहाँ पे देखें, इसमें है जो ही कैन नॉट वॉक के स्थान पर सिर्फ अपन देखते हैं कि टू के बाद आगे सिर्फ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो यहां पे सिर्फ लगाएंगे वॉक। आपने इन्फिनिटिव पढ़े होंगे, वहां पे मिल जाएंगे, पार्टिसिपल पढ़ते हैं। तो अब अपन देखेंगे यहां पे इसका अर्थ हो जाए ही इज टू टायर्ड, वो है बहुत ज्यादा थका हुआ है, अर्थात थकना तो एक लिमिट है लेकिन उससे भी ज्यादा थक गया है, तो वो कैरिंग कैसे टू वॉक, अर्थात चलना, अर्थात वो चल नहीं सकता। तो दोनों के अर्थ क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। इसी प्रकार अपन दूसरा उदाहरण देखें, अब लिखा है इट इज टू हॉट, यहां पर लिखें टू गो आउट। अब यहां पर देखें इसकी जगह पर अपन को क्या इस चीज का प्रयोग आ जाएगा, सो डैट का प्रयोग आएगा। तब अपन देखें कि सो डैट में करें तो सबसे पहले तो अपन हो टू की जगह सो कर देना, सो आंसर हो जाएगा इट इज सो हॉट, क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी है। अब अपने यहां पे देखें कि जो अपन को क्या करना था कि टू है, तो टू के स्थान पर अपन को क्या प्रयोग करना है, डेट का प्रयोग करना है। तो यहां हो जाएगा
इट इज सो हार्ड, टू के स्थान पर लिखते हैं डेट की। अब अपन ने पहले देखा था जो वाक्य में कि इसमें कर्ता होता है सो डेट में, तो यहाँ पे भी अपन कर्ता लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या है, इट इज सो हार्ड, बहुत गर्मी है ना। तो अब अपन यहाँ कर्ता क्या हो जाएगा, बी जोड़ देंगे, यानी कि हम, तो क्या हो जाएगा, बी कैन कैन नॉट। अब यहाँ पे अब क्या नहीं कर सकते, यहाँ पे गो आउट, सो हो जाएगा गो आउट, अर्थात बहुत ज्यादा गर्मी है, इतनी कि जितनी होनी नहीं चाहिए, अर्थात हम क्या नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकल सकते। अब अपन देखें एक उदाहरण और देख लें, सी इज सो वीक, वीक डेट सी कैन नॉट वॉक। तो इसी को देखें, तो यहाँ की जगह टू का प्रयोग कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा सी इज टू वीक, बी ई ए के वीक। अब डेट की जगह अपन को लिखना है टू, अभी कर्ता और कैनॉट हटा देना है, सो हो जाएगा वॉक, इस प्रकार अपने हो जाएगी। अब अपन देखेंगे नो सूनर की, नो सूनर देन, तो इसका अर्थ होता है जैसे ही और वैसे ही या तुरंत। अब अपने यहां इसके देखें, फर्स्ट प्रयोग देखें, नो नो सूनर एक साथ लिखना है पास में, नो सूनर, नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन स्टेशन देन द ट्रेन स्ट्रीम्ड अप। तो यहां पे देखें कि हमेशा नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, और एक चीज वो ध्यान रखना है कि नो सूनर के बाद टी एच ए वाला देन ही होगा, ना कि टी एच ई एन, ए देन का प्रयोग नहीं करना है। तो यहां हो जाता है नो सूनर जैसे ही, हैड आई रीच्ड द स्टेशन, जैसे ही हम कहां पहुंचे, स्टेशन पहुंचे, देन वैसे ही द ट्रेन स्ट्रीम्ड ऑफ, स्ट्रीम ऑफ का मतलब होता है चल पड़ी, स्ट्रीम ऑफ का मतलब धुआं भी निकलना होता है, तो क्या हो जाता है यहाँ पे, चल पड़ी, ये हो जाता है। अब इसका दूसरा उदाहरण देख लें, नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द बॉयस रेन आउट
टू देयर क्लासेस। अब देख लें, जब क्या है, जब भी अपन पास्ट का प्रयोग करेंगे तो जो वाक है देन के बाद ही पास्ट का ही होगा। तो नो सूनर, तो देखें नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब है, नो सूनर डिड द बेल रिंग, आने जैसी क्या होती है, घंटी बजती है, देन वैसे ही द वॉयस यानी लड़के, रन नहीं है क्या पास्ट में बना है, वॉयस रन आउट टू द देयर क्लास, तो क्या होते हैं अपनी क्लास से बाहर दौड़ पड़ते हैं। अब इसके बाद यदि ये प्रेजेंट में हो तो यहां हो जाएगा नो सूनर डज। अपन देखेंगे कि जहां भी ये तो हेल्पिंग वर्ब ही आई है नो सूनर के बाद, ही अराइव देन ही बिगिंस टू वर्क। अब यहां पे देख ले, नो सूनर जैसे ही, डज ही अराइव, जैसे ही वह पहुंचा, देन वैसे ही बिगिन टू वर्क, अर्थात से उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार अपन देखेंगे कि सोडेट को टू टू में और टू टू को सोडेट में परिवर्तित कर देंगे, और नो सूनर में यदि आपसे खाली स्थान आए तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि टी एच ए एन वाला ही देन का प्रयोग करना है और कुछ नहीं, आंसर में देन लिखाना है। और यदि आपको बनाने के लिए आए तो आपको इसी प्रकार बना देना है, खासतौर बनाने के लिए नहीं आएगा, खाली स्थान के लिए आएगा कि आपको ध्यान है कि कौन सा देन करना है, ए वाला करना है या ए वाला। तो ए आपसे अंतर पूछता है कि आपको ज्ञान है, क्योंकि ए नो सूनर है, जोड़ी में होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार सो डेट है, टूटू है, ये सब जोड़ी में होते हैं। पसंद आए तो लाइक करें, थैंक यू, धन्यवाद।